नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी एंटरटेन स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खबर में हम बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के 15 ऐसे सुपरस्टारों के बारे में जो कि भोजपुरी सिनेमा में इनकी काफ़ी डिमांड है और उन्होंने अभी तक कितना कमाया है और सबसे ज़्यादा अमीर कौन है उनके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं 15वें नंबर से। 15वें नंबर पे आते हैं दीपक दिलदार। अब तक की करियर में दीपक दिलदार ने लगभग 10 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। दीपक दिलदार गायकी के साथ साथ फिल्मों में भी हीरो का किरदार निभाने लगे हैं। दोस्तों, 14वें नंबर पे आते हैं प्रमोद प्रेमी यादव। यह अपने गानों को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। प्रमोद प्रेमी की कुल संपत्ति लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी दोस्तों प्रमोद प्रेमी कुल मिलाकर 15 करोड़ के मालिक हैं। तो दोस्तों, 13वें नंबर पर आते हैं देसी स्टार समर सिंह। समर सिंह अपने देसी स्टाइल गानों से काफी फेमस हैं। आपको बता दें कि समर सिंह अपने गायकी और एक्टिंग करियर से 17 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं, यानी समर सिंह 17 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। अब दोस्तों, 12वें नंबर पर आते हैं गुंजन सिंह। गुंजन सिंह भोजपुरी के साथ साथ मगही इंडस्ट्री में भी फेमस हैं। इनके गानों को दर्शक खूब पसंद करते हैं। गुंजन सिंह अब तक लगभग 18 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। दोस्तों, 11वें नंबर पर आते हैं अंकुश राजा। अंकुश और राजा दोनों भाई हैं। दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था। आज वह भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़े मुकाम पर हैं। अंकुश राजा दोनों की कुल मिलाकर 20 करोड़ की संपत्ति है। दोस्तों, 10वें नंबर पर आते हैं राकेश मिश्रा। उनका एक गाना राजा तनी जाई ना बहरिया काफी फेमस हुआ था। वैसे राकेश मिश्रा भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी साल पहले से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री से काफी नाम और पैसा कमा चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी संपत्ति के बारे में। इनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ की है। दोस्तों, 9वें नंबर पर बात करने जा रहे हैं रितेश पांडे की। रितेश पांडे की आवाज़ पवन सिंह जैसी है। गायकी में इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है। अब बात करते हैं अगर इनकी संपत्ति की, तो इनकी संपत्ति लगभग 70 करोड़ की है। दोस्तों, 8वें नंबर पर बात करने जा रहे हैं यश कुमार की। भोजपुरी इंडस्ट्री में यश कुमार अपने फिल्मों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने अपना करियर एक्टिंग के दम पर बनाया है। अगर बात करें इनकी कुल संपत्ति की, तो इनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ की है। दोस्तों, 7वें नंबर पर बात करने जा रहे हैं अरविंद अकेला कल्लू की। तो कल्लू बचपन से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार बन गए थे। आज भी इनके फिल्मों और गानों को लोग खूब पसंद करते हैं। अरविंद अकेला कल्लू ने अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाए पैसों से अब तक 100 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। दोस्तों, 6वें नंबर पर बात करने जा रहे हैं चिंटू पांडे की। इन्होंने अपना स्टारडम फिल्मों से बनाया था। अक्सर ये अपने आने वाले फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कई सुपरहिट फिल्म देने के बाद चिंटू पांडे की कुल संपत्ति 150 करोड़ के लगभग है। दोस्तों, 5वें नंबर पर बात करने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिए हैं। इसीलिए खेसारी लाल के चाहने वाले उन्हें हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार बुलाते हैं, क्योंकि खेसारी लाल के सभी गाने और फिल्म यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। अगर बात करें इनकी संपत्ति की, तो इनकी कुल संपत्ति लगभग 400 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, 4वें नंबर पर आते हैं पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के वो स्टार हैं जिनके गाने पूरी दुनिया सुनती है। पवन सिंह को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनके गले में माँ सरस्वती बसती हैं। सुरों के बेताज बादशाह पवन सिंह अब तक 450 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों, 3रे नंबर पर आते हैं दिनेश लाल यादव। भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव अपने फिल्मों से बहुत बड़ा नाम कमाए हैं और साथ ही साथ उनके गाने भी दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। दिनेश लाल यादव फिल्मों के साथ साथ भाजपा के नेता बन चुके हैं। अगर बात करें उनकी संपत्ति की, तो वे लगभग 600 करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, 2रे नंबर पर आते हैं रवि किशन। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई पहचान देने में रवि किशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रवि किशन एक्टिंग के दम पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, जिसके चलते बॉलीवुड समेत साउथ इंडस्ट्री से भी फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें बुलावा आता है। साथ ही साथ रवि किशन गोरखपुर के सांसद भी हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर रवि किशन की संपत्ति 700 करोड़ के लगभग है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्टार रह चुके हैं। इन्होंने सबसे बड़ी फिल्में और सुपरहिट गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में दिए हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में अब बहुत ही कम नजर आते हैं, क्योंकि अब वे राजनीति से जुड़ गए हैं। भाजपा द्वारा दिल्ली के सांसद व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करें इनकी संपत्ति की, तो इनकी कुल संपत्ति लगभग 900 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट स्टार कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए खबर के साथ। धन्यवाद।